जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी वो कुछ ऐसी थी। इनमें क्या है कि रेडियस, अगर अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या थी, तीन तीन कोऑर्डिनेशन को कैलकुलेट करती थी, मतलब तीन तीन अलग अलग एटम्स को टच करती थी ऊपर नीचे, तो टोटल 6 एटम होते थे। यस बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बार खोलना, आपने देखना पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो पिछले पीछे बनवाई हुई है मैंने। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक क्लास पूरी ली है मैंने जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड खोलना, 3 एटम नीचे थे और 3 एटम ऊपर थे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ ऐसी होती है जिनमें एटम्स की जो विजिबिलिटी होती है वो कुछ ऐसी होती है, ए बी सी, यहाँ पर 3 एटम ऐसे होते हैं, ठीक है, और अगले 3 एटम ठीक ऊपर वाली लेयर में उल्टे होते थे, तो उसका एक एटम इसके साथ टच करेगा। ये जो सेंटर आयन होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर 2 एटम आएंगे बाहर की तरफ, मतलब इधर की तरफ 2 एटम आएंगे, मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर 2 एटम और आएंगे जो एक्स्ट्रा रहेंगे यहाँ पर, और एक एटम इधर आएगा ऊपर। मैंने बताया था कि जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, तो एक में ये वर्टिसेस जो होती है वो आप इस डायरेक्शन में होती है और एक में वर्टिसेस इस डायरेक्शन में होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और ये बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि कैटायन है। मान लो ये हम कैटायन और एनायन का रेशियो निकाल रहे हैं, तो जो वॉइड्स है यहाँ पर है क्या, वॉइड्स में क्या है, वॉइड्स के अंदर कैटायन्स हैं और जो एटम्स हैं वो कौन से हैं, एनायन्स हैं, ठीक है। वॉइड्स के अंदर कैटायन है, एक ही कैटायन है और वो 6 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को टच कर रहा है, ठीक है। और जो सेंटर पर है वो है कैटायन और जो आउटर पे है वो है एनायन। अब हमें केवल कैटायन और एनायन का रेशियो निकालना होता है, मतलब आर प्लस और आर माइनस के बीच का रेशियो निकालना होता है, ये क्या आएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, एनायन की रेडियस आर होती है, यहाँ पर आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर वही तो निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो कैटायन है, जो बीच में सेंटर पर कैटायन है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। और उसके बाद इस कटायन ने आर डिस्टेंस इधर, कटायन के बाद एनायन ने आर डिस्टेंस ट्रेवल की है और इधर आर डिस्टेंस ट्रेवल की है और बीच में 2 आर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, कोई दिक्कत है। तो नो सर, अगर मैं एसी के बीच की डिस्टेंस पूछूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी, एक तो रेडियस यहां पर है एक रेडियस यहां पर है, तो 2 आर तो ऑलरेडी है और बीच में कैटायन की भी जो 2 आर है वो पूरा पूरा डायमीटर कंसिडर हो रहा है, क्योंकि कैटायन यहां से, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं रेड पेन से, तो यहां से कैटायन टोटल दिख रहा है यहां से और यहां तक, ओवरऑल 2 आर के डिस्टेंस लेकर के आ रहा है कैटायन, यहां पर इतनी डिस्टेंस 2 आर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल 2 आर, होगा यस सर, कोई दिक्कत। नो सर, अगर मैं इसको मानूं हाइपोटेनियस, इसको हम माने हाइट और इसको माने बेस, यहाँ पर 90 का बनाए एंगल, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है कि ए सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस बी सी ऑफ होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। नो सर, बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो किसी को हिंदी आती है तो, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, ए सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हम तो उसको लिख सकते हैं 2 आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितना है बेटा, ए बी की वैल्यू ए कितनी है, ए ए बी इस फिगर में देख करके बता सकते हो, अगर ये रेडियस आर है तो बेटा ये भी रेडियस तो आर है ना, एक के टर्म यस में सर, क्यों ले जो हमें आर के टर्म में मिल रहा है, और हमें रेडियस अगर एक के टर्म में ले लेंगे तो बेटा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ए आ जाएगा अंदर, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर हमको तो आर की रेडियस, और रेडियस रेशियो का मतलब आपको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में आना चाहिए, और अगर हमने ए को कंसिडर कर लिया तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ए बच जाएगा, समझ पा रहे हो ना बात को, यस सर, एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर ए बच जाएगा तो कभी भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए अगर हम आर के टर्म में हर चीज ले पाए तो इट्स इजी फॉर अस। अब यहां पर यहां से यहां तक की ओ, यहां ये सेंटर वाला पॉइंट अगर पी है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, एपी कितना हो जाएगा बेटा, यस सर, अगर एपी की वैल्यू कितनी है, टू आर एपी बी इज द सेंटर पॉइंट, बी इज द सेंटर पॉइंट, ए इज द इसका सेंटर है, ये अगर
L1 है सर्कल, ये L2 सर्कल है, तो L1 सर्कल का सेंटर है वो A है और L2 सर्कल का जो सेंटर है वो B है, ठीक है। L1 और L2 P पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो बेटा AP की डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ, केवल A से P की डिस्टेंस, ये वाली R, केवल R है, रेडियस के बराबर ही तो है और ये भी केवल R है, कोई दिक्कत है? No, तो बेटा बताओ ना AB की वैल्यू, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर R प्लस 2R की वैल्यू आई है AC, यहाँ पर AC को जो हमने कैलकुलेट किया था तो आया था R प्लस 2R इक्वल टू AC, तो एक वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। अब AB को कैलकुलेट करें तो AB को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू आई है 2R, हमें R और R के टर्म में अगर सब चीजें मिल जाए तो आराम से हम रेडियस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा BC की वैल्यू अगर मैं पूछूं किसी से कि BC कितना है, क्या बताओगे? व्हाट इज BC? BC बेटा यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो इसकी वैल्यू भी 2R के बराबर ही आएगी, तो BC भी हो जाएगा आपका 2R। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। यहाँ पर हम 2R ऑफ होल स्क्वायर कर दें, इसको 2R का होल स्क्वायर करें और 2R ऑफ होल स्क्वायर करें प्लस 2R ऑफ होल स्क्वायर करें, तो बेटा क्या कोई रेशियो नहीं निकाल सकता है? निकाल के दिखाओ रेशियो कितना आएगा। तो रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन अरेंज इन द कैटायन एंड एनायन अरेंज इन द अरेंज इन सच ए वे इन विच cation is at the octahedral voids and anion is at the surrounding atom place. Coordination number is equal to 6. बेटा R plus और R minus, R plus और R minus का ratio 0.4 बनाएगा। अगर आपको question मिलता है कि what is the radius ratio of ionic crystal cation and anion, this is the ionic crystal, this is also the ionic crystal. Ionic crystal जिसमें होगा उसी में cation और anion होंगे।
तुमने अभी तक बताया सब मैंने आयनिक क्रिस्टल ही बताया बेटा, पीछे भी कल मैंने टेट्राहेड्रल वर्ड्स बताई थी, वो भी आयनिक क्रिस्टल का ही पार्ट है। तो आयनिक क्रिस्टल में अगर वो टेट्राहेड्रल और आयनिक क्रिस्टल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई जिसमें वो ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें कैटायन ऐसे बोल सकते हो, ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें कैटायन सेंटर पर हो यानी कि वॉइड्स में हो, और ऑक्टाहेड्रल और जो एटम है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल जो शेप को फॉर्म कर रहे हैं एटम, वो एटम अगर एनायन है तो कैटायन और एनायन के बीच के रेडियस का रेशियो जो होता है आर प्लस अपॉन आर माइनस वो होता है 0.4। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी आई थिंक? नो सर। सर ये मतलब ऊपर है ना ये कैटायन और एनायन ऐसा है कि मतलब फिक्स है कि ऐसे रखेंगे, अगर इसको ऊपर लिख दे नीचे लिख दे तब मतलब मतलब ये R प्लस अपॉन में R माइनस है तो ये हमेशा कैटायन, हमेशा कैटायन और एनायन का रेशियो भी पूछता है, अगर एनायन कैटायन का रेशियो पूछ ले तो R माइनस अपॉन R प्लस कर देना। वैसे तो पूछता जो ज्यादा क्वेश्चन आता है उसी को डायरेक्टली ऐसे हमने बताया हुआ है R प्लस अपॉन R माइनस 0.41, लेकिन मान लो कोई पूछ लिया कि भैया एनायन और कैटायन का रेशियो बता दो, तो यहां पर आप कैलकुलेटेड तो ऑलरेडी है, ये 1.41 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? पूछेगा या तो ये तो बेटा कैटायन और एनायन का रेशियो पूछेगा, ये तो एनायन और कैटायन का रेशियो पूछेगा, हमने सब में कैटायन एनायन का रेशियो बताया हुआ है, तो कैटायन एनायन का रेशियो हर जगह याद कर लो, और जहां पर एनायन कैटायन का पूछ लेगा वहां पर उल्टा कर देना बस। यस सर। और सर ये फिक्स है कि मतलब है ना इसकी एनायन और कैटायन की ये ऐसे ही होगा? बेटा ये फिक्स्ड है पार्टिकुलर शेप के लिए फिक्स्ड है। अब बताने का मतलब क्या होगा फिक्स नहीं होता तो? ये बेटा जो 0.4 होना ना R प्लस और अपॉन R माइनस की वैल्यू, ये आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल का मतलब मान लो NaCl है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब मान लो ये NaCl होता आयनिक क्रिस्टल, NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, मैंने जब कंपाउंड बताया था एक दो क्लास मैंने उसकी ली थी है। इस संडे को फिर आपकी क्लासेस में बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन जो आपको एक दो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड में NaCl बता दो, NaCl हो सकता है Na प्लस और Cl माइनस। अब Na प्लस अगर सेंटर पर है इसका मतलब यही हुआ कि जो वॉइड है इसके अंदर अगर Na प्लस बैठा है, यहां देखो इस वॉइड के अंदर अगर Na प्लस बैठा है यहां पर, और ये सारे के सारे Cl माइनस है, ये सारे के सारे जो भी ऑक्टेटल वॉइड्स के अंदर आते हैं वो सारे के सारे Cl माइनस है, और केवल यही जो है ये Na प्लस है। बट अच्छा बेटा एक बात और बता दो, यहां पर क्यों चार एटम दिखाए गए हैं? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स चार ही होती है, ऑक्टाहेड्रल के पास चार ओवरऑल जब कैलकुलेटेड एटम निकालते हैं तो चार होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर छह है क्योंकि तीन नीचे होते हैं तीन ऊपर होते हैं, इसलिए चार एटम यहां पर दिखाए गए। और एक बात और है जो इसको कैलकुलेट करने का कैसे तरीका है, अगर आपको समझना चाहो थोड़ा ग्राउंड लेवल जाके, तो ये है जो ब्लू वाला है इसमें मान लो Na प्लस बैठा है, ठीक है, और यहां पर Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, तो कहने का तरीका यह है कि अगर Na प्लस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बैठा दिया जाए और बाकी ऑक्टाहेड्रल कॉर्नर्स पे या ऑक्टाहेड्रल जो भी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म कर रहे हैं एटम उसकी जगह पे अगर Cl माइनस को बैठा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनेगा यानी कि जो क्रिस्टल बनेगा उस क्रिस्टल में कैटायन और एनायन के बीच का रेडियस रेशियो जो आएगा वो 0.41 आएगा। कोई दिक्कत है अभी समझ में बात आ गई है? यस सर। सर मतलब कुछ भी ले सकते हैं एनायन और कैटायन कोई बेटा, वो मैं लिखा दूंगा कि कौन सा ऑक्टाहेड्रल का होता है कौन सा टेट्राहेड्रल होता है, आप सर्च भी करो आपको मिल जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्टाहेड्रल में आता है कौन सा टेट्राहेड्रल में आता है कौन सा किस में आता है, हर का अलग अलग एग्जाम्पल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल का बता रहा हूँ कि अगर NaCl क्रिस्टल है मान लो, और NaCl क्रिस्टल मतलब यही हुआ कि अगर NaCl क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल में सेट होता है इसका मतलब कि Na सेंटर में बैठा हुआ है और क्लोरीन सारे जगह पे घूम रहा है क्योंकि एनायन को मैंने बाहर रखा हुआ है और कैटायन को मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, कोई दिक्कत है? तो ये कोई और भी कंपाउंड हो सकता है, मान लो CaCl2 हो जाता इसका मतलब होता कि कैल्शियम प्लस प्लस जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है और जो Cl माइनस है ना वो यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत? मान लो KCl होता तो पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम यहाँ पर सेंटर बैठा हुआ है और क्लोरीन चारों तरफ घूम चारों तरफ एटम के स्ट्रक्चर्स में, बस इसका मीनिंग उतना ही हुआ, कोई सा भी एटम होगा या कोई सा मॉलिक्यूल होगा वो पार्टिकुलर डिसाइडेड होगा, आपकी बुक में भी कहीं कहीं होगा जरूर, अगर होगा नहीं होगा मैं आपको लिखा दूंगा कौन किसके लिए पार्टिकुलर वैलिड, ठीक है? यस सर। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है ये FCC के पार्ट है क्या? हाँ, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मैं बता देता हूँ बेटा, मैं एक बार लिखा देता हूँ, जैसे कंप्लीट होता मैं लिखाता, अब देखो लिख ले लो, लिख लेना क्योंकि
जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो एग्जांपल हो सकते हैं, एक NaCl, ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो एग्जांपल हो सकते हैं, एक NaCl हो सकता है और एक MgO हो सकता है, और भी आते हैं लेकिन जनरली आप इन दोनों को याद रखोगे कि मैग्नीशियम सेंटर पे होगा, Na सेंटर पे होगा, क्लोरीन चारों तरफ होगा, ये तो ऑक्टाहेड्रल वाला एग्जांपल है बेटा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड केवल FCC के अंदर ही होती है, तभी तो मैंने FCC में ही बताया इसको ना, तो FCC के अंदर ही तो होगा ना ये, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया है पहले ही, बोल दिया कि FCC के अंदर ही होती है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, ना BCC में होती है ना तो किसी में होती है, हाँ HCP में होती है, लेकिन HCP के हम ज्यादा स्ट्रक्चर को डिस्कस ही नहीं करते हैं, मतलब हेक्सागोनल में होती है, लेकिन हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर को कहां हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो बार बार इस क्यूब की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो दिक्कत है। हाँ FCC की, हाँ बोलो, ऑक्टाहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर ड्रम स्पेस, तो मतलब ये तो स्पेस है ना, फिर ये मतलब इसमें चार स्पेस है, मतलब फोर टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो चार स्पेस का यहां मतलब क्या हुआ, चार स्पेस का मतलब चार स्पेस का मतलब हुआ कि चार कैटायन हम बैठा सकते हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड चार है ना, ये तो हमने एक एक पार्टिकुलर एटम की बात करी है, जो यहां पर लिखा हुआ है ना ऊपर, हमने यहां पर ऑक्टाहेड्रल में, इसका मतलब हुआ कि किसी पार्टिकुलर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हम बात कर रहे हैं यहां पर, एक जैसे भी मैंने जब आपको ड्रॉ करवाई थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसमें कई सारी चीजें डिस्कस करी थी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में केवल हमने ड्रॉ तो इधर भी करवाया था, एक इधर भी ड्रॉ करवाया था, लेकिन हमने प्रूफ के लिए कौन सा लिया था, कोई एक पार्टिकुलर लिया था, तो जैसे मैंने हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया था सेंटर यहाँ पर, तो फिर उससे प्रूफ हो गया था कि इड्स के पास होता है, तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर जो भी ये स्ट्रक्चर है ना, किसी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए, कि अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा दूं और उसके अगल बगल में क्लोरीन एटम लगा दूं, तो कितना उसका रेडियस रेशियो आएगा, क्योंकि हमें तो रेडियस रेशियो पता करना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से क्या मतलब है यहाँ पर, हमें तो पता करना है कि अगर उसके बीच में आ गया ना एटम, तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर FCC स्ट्रक्चर है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, अगर हमारे FCC स्ट्रक्चर है और वो बहुत ज्यादा क्लोज है, मान लो CCP पैक बन रहा है, क्लोजेस्ट क्यूबिकल पैकिंग, तो वहां पर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल्ड भी होगी ना, तो यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, कितना टेट्राहेड्रल वॉइड है, बस इतना सोचने की जरूरत है कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड या एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एटम होगा, कैटायन और एनायन जो बैठे हुए होंगे, कैटायन सेंटर पर होगा और एनायन चारों तरफ होंगे, उसमें जो रेडियस का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, और आपको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं डायरेक्ट लिखा भी दूंगा, अभी एक मैं सीरीज बना के पूरा लिखा भी दूंगा किसमें कितना आ रहा है, क्या उसका एग्जांपल है, ठीक है? यस सर। सर और है ना, हम लोग मतलब ये है ना FCC के पार्ट है ये दो, तो हम इन दो को क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब FCC के अंदर भी वॉइड्स होते हैं क्या, ये तो उसके पार्ट क्यों हो गए, FCC के अंदर वॉइड्स का मतलब ये तो है ना FCC के पार्ट है, मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इनके अंदर हम वॉइड पढ़ रहे हैं, वैसे हम FCC BCC और SC के अंदर इनके वॉइड्स नहीं पढ़ते बेटा, होते नहीं है ना, FCC में वॉइड्स होते हैं, FCC के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मैंने बोला कि FCC या CC सिंबल क्यूबिक सेल और BCC तीन में केवल FCC के पास होती है वॉइड्स, इसीलिए हम इनके वॉइड्स को भी डिस्कस कर ले रहे हैं, कि कभी कल आपसे पूछ लिया जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो बनता है बेटा, अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि FCC के अंदर जो टेट्राहेड्रल बनता है, उस टेट्राहेड्रल में कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, या मान लो आपसे कोई पूछ ले कि NaCl है, मान लो क्वेश्चन आ गया NaCl है, इसको FCC या इसको CCP क्लोज पैकिंग में रखा गया, इसमें Na+ सेंटर पर है और Cl- आउटर एटम्स के पास है, ठीक है, Cl- ने घेर रखा है और Na+ सेंटर पर है, ऑब्वियस सी बात है यही होगा भी, क्योंकि Na+ हमेशा सेंटर पे आएगा, जो पॉजिटिव आयन होता है यानी जो कैटायन होता है सेंटर पे आता है और एनायन उसको घेरता है, तो अगर क्वेश्चन कोई आ गया कि NaCl को CCP क्लोजेस्ट पैकिंग में रखा गया है और Na+ सेंटर पर है और बाकी क्लोरीन माइनस, या ये ऐसे बोल जाएगा Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और क्लोरीन माइनस चारों तरफ व्यवस्थित है, और आपसे फिर पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ RNa+ डिवाइड बाई RCl-, तो यहाँ पर आपको सोचने की बात नहीं है, 0.41 सीधे कर सकते हो आप, अगर याद है आपको तो, ये वही क्वेश्चन है, उसी तरह से बनेगा क्वेश्चन में, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इसको फिल्ड किया गया है NaCl को, और Na जो है सेंटर पर है और Cl चारों तरफ है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ RNa+ एंड RCl-, अभी कुछ बात समझ में आई? यस सर। और सर ये हेक्सागोनल था वो अलग से पार्ट था या फिर ये भी FCC के अंदर ही था? बेटा हेक्सागोनल इज अ डिफरेंट क्यूबिक पैकिंग, यस CC सिंपल क्यूबिक सेल, HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, CCP क्लोजेस्ट क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, इसमें FCC के अंदर
जब एफसीसी में हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की भी बात करने लग जाते हैं उसको हम सीसीपी बोलने लग जाते हैं। और एफसीसी इज द सिंपल फेस सेंटर क्यूबिक सेल, बीसीसी इज द बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। और यस सीपी इज द हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। मैंने क्लोजेस्ट पैकिंग को अलग से डिनोट करके दिखाया भी हुआ है आपको, बताया हुआ है, कोई चीज छूटी नहीं है बेटा। हाँ, सीसीपी तब बन जाता है जब हम सीसीपी मतलब क्लोज, सीसीपी का मतलब होता है क्लोजेस्ट क्यूबिकल पैकिंग। ये सीसीपी तब बन जाता है जब हम एफ सीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल की भी बात करने लग जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात करने लग जाते हैं, उस समय ये सीसीपी बन जाता है और उसके अंदर भी एटम आ जाता है। नहीं तो बीसीसी बॉडी सेंटर होता है, एफ सीसी फेस सेंटर होता है, एससीपी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग होती है और ये सिंपल क्यूबिक सेल होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? नो सर। सर और ये पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो मतलब इसकी एचसीपी की 0.74 होती है, ये सेम ही होती है उसके एफसीसी के, तो फिर ये अलग क्यों है? और इनकी पैकिंग भी सेम ही आ रही है एचसीपी और सीसीपी और एचसीपी की, एचसीपी की और एफसीसी की। बेटा क्लोज जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आ रहा है तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सेम आएगी। पैकिंग कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता है, सॉलिड ज्यादा हो जाएगा उसकी थोड़ा सा कठोरता ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा और पैक अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, कितनी भी क्यूबिकल पैकिंग बना दें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ पा रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि इसके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी बहुत कम आएगी। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया तो पैकिंग एफिशिएंसी चीजें और बेस हो जाएगी। जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना कम होगा उतना ही हो जाएगा। और आप अगर देखोगे तो जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है केवल उन्हीं में पैकिंग एफिशिएंसी सेम आई है, जिनमें डिफरेंट है उसमें डिफरेंट आई है, जिसमें कम है उसमें कम आई है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यस सर। और सर ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इनकी अगर पैकिंग एफिशिएंसी देखे तो एफसीसी के इक्वल आएगी या फिर दोनों की अलग अलग होगी? दोनों में ये चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, मैंने लिखाया भी वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में अलग अलग है। किसमें कितना है? ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो 6 है, टेट्राहेड्रल के अंदर 4 है। ऑक्टाहेड्रल की कम आनी चाहिए और टेट्राहेड्रल की ज्यादा, टेट्राहेड्रल की कम आनी चाहिए और ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 है ना और टेट्राहेड्रल के अंदर 4 है। तो टेट्राहेड्रल की अगर वॉइड्स की पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे तो टेट्राहेड्रल की कम आनी चाहिए, उसकी ज्यादा आनी चाहिए। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब बात करते हैं बेटा, और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं होता? सुमेर यादव। यस सर। आर यू एंजॉयिंग सर? हाँ यस सर। मजे कर रहे हो? क्लास ले रहा हूँ मजे से। ठीक है बेटा, क्यूबिक वॉइड भी बनाई जा सकती है। क्यूबिक वॉइड होती नहीं है जनरली, लेकिन बॉडी सेंटर पर अगर कोई एटम बैठा दिया जाए, अगर यहाँ पर बॉडी सेंटर पर कोई एटम बैठा दिया जाए और बाकी चारों तरफ एनायन बैठा दिए जाएं, तो यहाँ पर एक क्यूबिक वॉइड कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक क्यूबिक वॉइड का ही प्रकार है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी मैंने बताया कि फेस सेंटर पर अगर एक एक एटम बैठा दिया जाए तो एकदम बॉडी सेंटर पर जो आएगा वो होगा एक वॉइड का काम करेगा। तो यहाँ पर क्यूबिक वॉइड में भी अगर चारों तरफ एक एक एटम बैठा दिए जाए और अगर एक बॉडी सेंटर पर आ जाए एटम, तो इसे हम क्यूबिक वॉइड में फिल्ड एटम भी कह सकते हैं। Is there any problem? सर एक बार दोबारा बताना ये। दिखा रहा हूँ, ऊपर मैंने एक फिगर भेजा भी हुआ है आपको। बेटा देखो, अगर ये जो क्यूबिकल फॉर्मेट है ना इसकी, अगर इस फॉर्मेट में अगर यहां पर क्या है, मान लो ये क्या है, एनायंस है। क्या है? एनायंस है। एक स्ट्रक्चर होता है सीजियम क्लोराइड का,
CSCL, उसके लिए स्पेशली बनाया जाता है, उसके लिए हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं। क्यूबिकल यहां पर क्या होता है, CS एटम जो होता है सीजियम ये सेंटर पर होता है, और जो CL एटम होता है वो चारों तरफ कॉर्नर पर होता है। CL माइनस जहां जहां माइनस लगा वहां CL होगा, CL माइनस। यहां पर जो बॉडी सेंटर होता है इसके पास होता है सीजियम और बाकी चारों तरफ क्लोरीन होता है, इसीलिए इसको सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल वॉइड्स के अंदर आता है, या वॉइड भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि सीजियम इसके बॉडी सेंटर पोजिशन पर है और क्लोराइड चारों तरफ है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बन करके आता है ये क्यूबिकल क्यूबिक वॉइड्स, इसको बोल सकते हैं क्यूबिक वॉइड। अगर आपसे कभी पूछे कि क्यूबिक वॉइड के अंदर कोई एटम अगर बैठा हुआ है तो वो हो सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस है कि सीजियम हो सकता है। सीजियम के पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, कोई बता सकता है? भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लोरीन से ढका हुआ है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। कोई दिक्कत? नो सर। ओके अभी आपने से कहा जब माइनस लिखा हुआ है वहां लिखेंगे, लेकिन यहां दो जगह माइनस नहीं लगा हुआ, फिर आपने वहां क्यों रखा? कहां माइनस नहीं लगा हुआ? यहां पे इसकी डायरेक्शन में एक के सामने वाले में नहीं लगा हुआ बेटा, गलती से नहीं आ गया, गलती से नहीं आया है, लेकिन वो माइनस होगा हर जगह, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बॉडी सेंटर पोजीशन पे है, यहां पर है, तो कोई ये बेटा ये सब चीजें तब घटित होती हैं जब कोई डिफेक्ट आ जाए क्रिस्टल में, और आगे चल के डिफेक्ट ही हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं आता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर ही आता है। मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए पहले क्यूबिक्स बताई है, पहले आपको बताया हुआ है मर्फस क्या होता है, सॉलिड्स के टाइप कितने होते हैं, इसीलिए बताया था, क्योंकि ये चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं। अगर आप चारों तरफ ज्योमेट्री देखोगे ना तो सिमिलर ही आएगी, तो अगर यहाँ पर लगा नहीं हुआ तो आपको लगा लेना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली चारों तरफ होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 आप लिख सकते हो यहाँ पर, ऑल द एनायंस आर। अच्छा पहले एक बार मैं प्रूफ करना चाहूं, तो अगर मैं प्रूफ कर दूं तो इट इज ओके, फिर से लिखता हूं एक बार में। पहले लिखना फिर पहले प्रूफ करते हैं फिर लिखते हैं। अगर मैं यहां पर कैटायन और एनायन के बीच का रेशियो निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा? इनसे मतलब मैं एक सीरीज भी लिखा दूंगा इसके जस्ट बाद। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि AD की डिस्टेंस कितनी है तो क्या बताओगे? व्हाट इज AD? रूट थ्री ए ए ए की 2R है, ठीक है, जो सेंटर पर है एक यहां पर होगा, ठीक है, एक क्लोरीन ऊपर है, फिर सेंटर पर है, फिर यहां पर एक क्लोरीन है, ये है AD, यही है ना? Yes, sir. अब यहां पर इस वाले के बीच का अगर रेडियस स्मॉल आ रहा है तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R। अगर मैं AD की डिस्टेंस पूछूं तो 2R प्लस 2R प्लस 2R नहीं आएगा, आएगा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अगर मैं AD का वैल्यू लिखूं रूट थ्री ए इज इक्वल टू 2R प्लस 2R, तो गलत है? सही है सर। और अगर मैं B और C एटम ले लूं, मान लो कोई सी भी, मान लो B और C एटम ले लूं, ये दोनों एटम, ये एटम और ये एटम, तो ये दोनों एटम ऐसे कुछ पैक होते हैं, सब बताया हुआ है बेटा। नीचे वाले में बॉडी सेंटर सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, और इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, ये B है और ये C है, ये बड़े वाले CL माइनस है, CL माइनस है, B और C है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि A की वैल्यू कितनी आएगी, B की वैल्यू कितनी आएगी? BC की वैल्यू 8 होती है A, और ये वैल्यू 2R के बराबर ही आएगी, आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। तो एक अगर मैं यहाँ पर R की A की वैल्यू अगर पुट कर दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और मैं यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दूं, तो √3 into 2R
इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, सही है? सही है यस सर। अब यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इधर लेके आओ इसको बुलाओ अगर, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सबको r से डिवाइड कर दो, कैपिटल r से सबको डिवाइड कर दो, जब करोगे तो हो जाएगा रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री इंटू टू कैपिटल आर, क्या टू से डिवाइड कर सकते हो, टू टू कैंसिल कर दो और फिर कैपिटल आर से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस वन, सही है? यस सर। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? नो सर। आर बाई आर की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 0.73 आ जाएगा r by r की वैल्यू। तो अगर कैटायनिक और एनायनिक और कैटायनिक रेडियस के इसमें बताऊं, कैटायनिक और एनायनिक रेडियस है इसमें, तो क्या आप निकाल नहीं लोगे? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। सबसे पहले क्यूबिकल लिखने के पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखो, इसका यहां पर लिखा क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक voids, फिर लिखना all the anions are touch each other, all the anions are touching each other's and coordination number is 8 and coordination number according to void is 8, ठीक है? अब कुछ करना नहीं है, यहां पर पूरा लिख करके आपको सीधे यही लिख देना है, if cesium chloride fitted into cubic void, then ratio of radius of cesium and chlorine will be equal to, कितना हो जाएगा radius ratio बेटा? 0.7 सर। यहाँ पे कैटायन और एनायन लिखते हैं, तो मतलब जो आपने ऑक्टेहेड्रल बताया उसके अंदर NaCl बताया, वैसे वो टेट्राहेड्रल में नहीं हो सकता क्योंकि वो कैटायन और एनायन दोनों ही तो है उसमें। बेटा हर एक पार्टिकल, बेटा हर एक पार्टिकुलर एटम जो भी है ना, हम मान लो CsCl है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सीजियम क्लोराइड है, यहाँ पर जिडन जंक ब्लैंडी हो सकता था, ZnCl2 हो सकता था, हर किसी स्ट्रक्चर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना, तो ये हर जगह फिट नहीं हो सकता है, ZnS हर जगह फिट नहीं हो सकता है, किसी पार्टिकुलर इन्हीं में से किसी एक स्ट्रक्चर में फिट होगा। हाँ ये तो है कि किसी ना किसी में फिट जरूर होगा ये, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसमें ही फिट हो जाए, वो हर किसी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अब नमक का स्ट्रक्चर जो होता है CsCl के पास जो क्रिस्टल होते हैं, जो नमक के पास क्रिस्टल होते हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को एक ही तरह से मैच कर जाएंगे? अब अगर आप CsCl का क्रिस्टल आप NaCl वाले में डालोगे तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम होगी। अब वहां पर सेंट्रिक, अब यहां पर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो बेटा मैं केमिकल कंपोजिशन तो नहीं बता सकता केमिकल कंपोजिशन में क्या प्रॉब्लम है, हाँ मैं स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, फिजिकली बता सकता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम होगी, तभी इसीलिए यहाँ पर नहीं रखते हैं इसको। मैं आपको इसीलिए एक्स्ट्रा बता भी दिया मैंने कि CsCl के लिए ही यूज करते हैं इसको। अब NaCl यहाँ पर नहीं फिट कर सकते हैं क्योंकि NaCl इस ज्योमेट्री में नहीं आता है, उसका शेप दूसरी तरह से होता है, इट्स ऑब्वियस, जिसके पास जो शेप होता है वही आप लिख सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल लिखा दूंगा, आपसे कोई पूछा जाएगा कि यहाँ पर अगर ये वाला शेप बताना है तो कौन सा है, कौन सा यूज होगा, तो आप बता ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको, मैं लिखा दे रहा हूँ।
छह बार बताओ, रेडियस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब क्या हुआ? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है उसका। नहीं ऐसा नहीं है, या फिर उसके नेबरिंग पार्टिकल्स है वो ज्यादा है। नहीं रेडियस रेशियो ज्यादा है इसका मतलब पार्टिकल दूर दूर है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा है। रेडियस रेशियो मतलब अरे रेशियो तभी तो ज्यादा होगा किसी चीज का, मान लो आर आर प्लस है नीचे आर माइनस है, अगर आर प्लस अगर आर माइनस को नीचे कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो आर प्लस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रेडियस रेशियो बढ़ता जाएगा। अब आर प्लस की वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाएगी और आर नीचे वाला कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब रेडियस बढ़ती जाएगा, रेडियस बढ़ती जाए तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रही होगी। हो गया उतना लिख लिया? यस सर। लिखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो रेडियस रेशियो फॉर, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइड्स। अच्छा एक चीज पहले बता दूं आपको, जब आप प्लेन ट्रायंगुलर में थे तो कितना रेशियो आ रहा था? 0.15। हाँ 0.15 0.225। में कितना आया था? में 0.225 ना? Yes, sir. ठीक है। तो प्लान ट्रायंगुलर से सबसे पहले टेट्राहेड्रल में गए हैं, तो टेट्राहेड्रल से हम गए हैं ऑक्टाहेड्रल में और लगातार रेडियस रेशियो बढ़ता गया है, उसके बाद हम क्यूबिक में गए हैं। ठीक है, तो 0.11 यहां पर आया था, 0.225 आया था ना किसका? टेट्राहेड्रल का, और इसका आया था 0.115। तो 0.115 से 0.225 के बीच में जो रेडियस रेशियो था वो था किसका? प्लान ट्रायंगुलर का। फिर 0.225 टेट्राहेड्रल का आया और ऑक्टाहेड्रल का आपका कितना आया था? 0.414। और इसका फिर आया था क्यूबिक का 0.73। यही आया हुआ है, आज ही लिखा है मैंने 0.414 0.73। तो यहां पर जो 0.225 से और 0.225 से टेट्राहेड्रल स्टार्ट हो जाता है, और जब 0.225 से चलने लग जाओ तो पूरा पूरा वैल्यू टेट्राहेड्रल की होती है, लेकिन जैसे ही एक ऑक्टाहेड्रल में पहुंचता है इसकी वैल्यू 0.414 हो जाती है, मतलब इसकी रेडियस की रेशियो। और फिर 414 से ये क्यूबिकल रेशियो जो होता है, ये जो रेशियो होता है रेडियस का, वो 0.73 तक का रेंज जो है वो ऑक्टाहेड्रल का रेंज है। और जब ऑक्टाहेड्रल का रेंज खत्म होता है तो शुरू होता है क्यूबिक का रेंज, और क्यूबिक का रेंज 0.73 से 1 तक हो सकता है, क्योंकि रेडियस रेशियो की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं, मतलब आर और आर की वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकती है। आप अगर ध्यान से सुनो, मैंने बोला है कि आर छोटा आएगा और कैपिटल आर बड़ा आएगा, ये बोला है, और जब ऊपर वाला वैल्यू छोटा है और नीचे वाला वैल्यू बड़ा है तो हमेशा एक से छोटी ही रहेगी। आप इसे तो समझ सकते हो, अगर नहीं सकते बताओ भैया। मैंने ये बोला था कैटायन का रेडियस एनायन के रेडियस से छोटा रहेगा, यानी कैटायन एनायन से हमेशा छोटा होता है। अब अगर छोटा होता है तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 1 के बराबर कैसे हो सकती है? यस नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली उससे छोटी होगी। तो क्यूबिकल जो रेंज आएगी वो 0.73 से 1 के बीच की रेंज आएगी। एक बार आप लिख लो फिर समझा देता हूं।
सबसे पहले लिखो इसकी सीरीज, जो जैसे आपको एक सीरीज लिखनी है, सीरीज के टाइप से लिख सकते हो इसको। यहां पर लिखो लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। आपकी 11 बजे कोई क्लास तो नहीं है कल? कल हाँ नो सर। तो 11 बजे ज्वाइन करना फिर, ठीक है? आप सभी हो ना इस वक्त अभी क्लास में? यस सर। 11 बजे ज्वाइन करना एक बार, अगर होगा तो ग्रुप पे डाल, अगर 11 बजे के पहले क्लास होगी तो ग्रुप पे डाल देंगे, नहीं होगी तो 11 बजे ही ज्वाइन करना, ठीक है सर? 11 बजे तो बायोलॉजी की होती है ना? नहीं सर, से क्या जाएगी क्लास? अरे मैम को बोल देना 11 बजे हमारी क्लास है। यस सर, मैम ने बोल दिया था शिफ्ट हो जाएगी, 8 बजे आप लोगे तो 11 बजे ले लेगी, 11 बजे आप लोगे तो 8 बजे ले लेगी। हाँ तो वो 8 बजे ही लेंगे, उनको बोल देना। इतना काम जिसमें हमने किया हुआ है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को निकालने में, वो इसीलिए किया हुआ है। अब देखो हम रेडियस रेशियो अगर निकालें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन ट्रायंगुलर की। प्लेन ट्रायंगुलर में जो रेडियस रेशियो का रेंज है वो आता है 0.115 से बड़ा होता है या इक्वल आता है इसके, 0.115 से इक्वल आता है। और इसकी रेंज होती है टेट्राहेड्रल के पहले, जस्ट जो टेट्राहेड्रल की रेंज है उसके पहले तक की रेंज इसमें, तो ये 0.225 से छोटा ही होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 3 होती थी, और अगर इसमें आप देखना चाहोगे एग्जांपल इसके, एग्जांपल इसका बोरॉन ट्राई डाई बोरॉन ट्राई ऑक्साइड B2O3 हो सकता है, या बोरॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, B2O3 एक सा एग्जाम्पल है। उसके बाद रेडियस रेशियो आर अपान आर, यहाँ पर इतना आर अपान आर, फिर दूसरा रेडियस रेशियो आर अपान आर की वैल्यू 0.225 से बड़ी। मैंने बेटा इसको रट लिया था, मैं क्लास 12th में था तो मैंने रट लिया था, मेरे को आता था ये, रटा रटाया पूरा था। और ये 0.225 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.225 से 0.414 के बीच, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन नहीं कर सकता इंसान, आपको आना चाहिए, कभी कैलकुलेशन आ जाए पेपर में तो आपको आना चाहिए, लेकिन रेडियस रेशियो रटा होना चाहिए। तो 0.225 से 0.414 तक की जो रेंज थी वो थी टेट्राहेड्रल की रेंज, और टेट्राहेड्रल के अंदर अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आती थी, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी 4 आती थी, आप देख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर टेट्राहेड्रल में देखोगे तो इसको जेंक ब्लैंडी बोलते हैं, ZNS और SiO2 सिल्वर डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला रेडियस रेशियो 0.414 से, 0.414 से रेडियस रेशियो आर बाई आर की वैल्यू कहाँ तक थी, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो 0.732 क्यूबिकल वॉइड की रेंज है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 था और ये था ऑक्टाहेड्रल, और इसमें जो स्ट्रक्चर था वो था NaCl और MgO, मैंने बताया हुआ आपको। उसके बाद जो 0.732 से रेंज है, 0.732 से जो रेंज है आर बाई आर की, ये रेंज है 1 तक, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और इसका जो इसको जो बोलते हैं ये होता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर यूज कर सकते हैं सीजियम क्लोराइड। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेशन, ये आपकी पूरी रेडियस रेशियो कंप्लीट हो चुकी है। कोई दिक्कत है? अच्छा एक और लास्ट चीज मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
अभी मान लो हमने सोडियम क्लोराइड की बात की, सोडियम क्लोराइड को किसमें रखा था, ऑक्टाहेड्रल वाले में रखा था। यस सर। ऑक्टाहेड्रल वाला है मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर इसके पास एटम्स हैं जो कि कैटायनिक एटम्स हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सही है यहाँ तक? सही है? यस सर। ठीक है, हमने क्या करा, Na+ आयन यानी Na+ NaCl को अगर हमने इसको लिखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, NaCl को अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भरना है तो हमें Cl- को कहाँ कहाँ रखना है बेटा, Cl- को कहाँ कहाँ रखना है? नर्स में, कॉर्नर्स पे। Cl- को हमें कॉर्नर्स पे रखना है, तो हमने यहाँ पर Cl- को पहले व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, अगर हमको रेडियस रेशियो जो है उसकी वैल्यू अगर, या फिर रेडियस का जो अगर, या रेडियस रेशियो निकाल रहे हो या फिर रेडियस का सम निकाल रहे हो, और वो सम अगर हम, इफ वी आर यूजिंग दिस सम इन द ए फॉर्मेट, लाइक इज इन द इट्स फॉर्मेट, इफ इट इज इन इट्स फॉर्मेट देन व्हाट विल हैपन, द थिंग विल हैपन इज देयर इज वन Na प्रेजेंट एट द एड्स, एट एवरी एड्स there will be one Na, not this much radius, I'm just showing this, okay, Cl will be bigger than Na, because Cl is the anion and Na is the cation, so like Na is at the center. Now we are just taking AB distance, just please wait, AB distance is like A, okay, and R plus, R minus is having, Cl is having R minus, this Cl is having R minus, and this sodium is having R plus, am I okay? But it is overall diameter, so we can say AB is equal to 2R plus plus 2R minus. Am I okay? Yes, sir. Is it okay now? कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. If we are asking what is AB, so you can easily say AB is equal to A. So if we ask, I will ask you what is the sum of R plus R. Then R plus plus R minus is equal to A by 2. Is it okay or not? Yes, sir. This is very, very important. R plus and R minus difference. The distance between R. So the addition of R plus and R minus. If I will ask you for the cesium chloride molecule, CsCl. So what will happen? This is the first one and I am just asking about second one. If I ask you the cesium chloride molecule, then what will happen? In the cesium chloride, I told you the cesium will present at the body center position and chloride will present at the this is not okay. Corners pe. Chloride will present on the corner and cesium will present on the body center position. If cesium is present on the body centered position, then cesium will lie here somehow. And this is Cl, this is Cl, this is Cl, this is Cl, 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 Cl. So this is chlorine, 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 chlorine. If I am asking you for the AB distance, so in the AB distance, if it is, if we are calculating this distance, this distance will be equal to root 3A. Am I right? So if I'm asking you, so A, this is cesium and this is again chloride. So I'm asking for this distance. Okay. This is A, this is B, this is cesium. Sorry. This is cesium, this is chloride and this is chloride. So I'm asking you for the distance of cesium chloride. Then if it is R, it is R and it is 2R. So 2R plus 2R is equal to root 3A. Am I right? Yes, sir. That is the body diagonal position. So R plus R is equal to root 3A by 2. It is also important part. If anyone will ask you that what is, if A is given, its length is given, then what is the
addition of R plus and R minus. Anyone can ask you in the question. So this is the season chloride structure. Is it okay for you? Yes, sir. So now only one thing has been remained in the solid state, and that is only defect. So I'll complete the defect in the next class, and then I'll start another chapter from Monday, maybe, or from Tuesday, because Monday can be we have a doubt class or extra class or maybe numerical class. Correct one नहीं कर दो वो वाला NaCl वाला. Yes sir. Yes sir, हो गया. सर क्लास लीव कर दे. सर तो कंप्लीट हो गया. Yes, sir. Leave the class.